कांग्रेस ने लंघी रात उम्मीदवारां दी दूसरी सूची जारी कर दित्ती। 25 तरीक दी अद्धी रात नूं इह सूची जारी कर दित्ती, पर 8 जणां दी टिकट नूं लैके हाले तक पेचा फसिया होया। पर कांग्रेस दे विच आपसी तकरार तों बाद हुई है भावें सूची जारी, पर हो चुकी है। 23 उम्मीदवारां दी सूची दा ऐलान कीता गया है, पर दूसरी सूची होने तो बाद बगावत की अग भी भड़क गई है। कांग्रेस हाईकमांड का एक परिवार एक टिकट का फैसला भी हवा हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल भी लगता है खंभ ला के उड पुड रहा है। इस दूसरी सूची नूं देख के पंजाब दी साबका मुख्यमंत्री रजिंदर कौर भट्ठल दे जवाई नूं सानेवाल, नवजोत सिंह सिद्धू दे भरा नूं अते फतेहगढ़ साहिब तो संसद मैंबर अमर सिंह दे बेटे दा दूसरी सूची विच शामिल नाम टिकट दे दावेदारां दा मूँह चढ़ा रहा है। ते ऐलाने गए उम्मीदवारां दे विचों इस वक्त सब तो अहम नाम पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे सब तो नज़दीकी चेहरे समीत सिंह दा समझिया जा रहा है, जिसनूं अमरगढ़ तो मौजूदा विधायक सुरजीत धीमान दी थां टिकट दित्ती गई है। कांग्रेस की दूसरी सूची आने तो बाद जिवें कि समझा जा रहा है कि पार्टी विच बागी सुरां होर भी उच्चियां हो गई ने। रहिंदियां 8 सीटां ते उम्मीदवारां दा ऐलान होने तो बाद हाले भी भड़थू पैण दे आसार बने हुए ने। पता लग्या कि उम्मीदवारां दी चोण वेले कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी मूहरे पूरी छिंज पैंदी रही है। चोण कमेटी के 3 घाग नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी ते सुनील जाखड़ आपस विच उलझदे रहे। सूत्रां दी मनीए तां पहली सूची विच नवजोत सिंह सिद्धू दी पुग गई, दूसरी सूची विच चरणजीत सिंह चन्नी दा मूंह पलोसिया गया। वख-वख थावां तों मिलियां सूचनावां दे मुताबिक सुनाम तों टिकट कट्टे जाण ते दमन थिंद बाजवा ने तिखा रवैया दिखाया है। उन्हां कहा कि सुनाम नूं मेरे तों कोई खोह नहीं सकदा। सानेवाल तों सतविंदर बिट्टी ते समराला तों मौजूदा विधायक अमरीक ढिल्लों ने टिकटां कट्टे जाण दे बाद आजाद तौर ते चोण लड़न दा ऐलान कर दित्ता। सतविंदर बिट्टी ने प्रियंका गांधी नूं सवाल पुछिआ कि उन्हां दा बेटी हां लड़ सकदी हां स्लोगन सी उह कित्थे गया, जां फिर उह स्लोगन सिर्फ यूपी चोण लई है। बिट्टी ने कहा कि मैं इत्थों 4500 वोटां नाल हारी सी, इस तों बाद इत्थे दिन रात मेहनत कीती, बावजूद इत्थों टिकट रजिंदर कौर भट्ठल दे जवाई नूं दे दित्ती गई है। पार्टी एक परिवार एक टिकट देण दी गल कहिंदी सी तां कांग्रेस ने मेरी टिकट क्यों कट्टी, कोई तरीका नहीं हुंदा। फिरोजपुर देहाती तों मौजूदा विधायक सत्कार कौर ने भी समर्थकां दी मीटिंग सद लई। खरड़ दी टिकट चन्नी दे चहेते नूं देण तों बाद साबका मंत्री अते कांग्रेस दे बजुर्ग लीडर जगमोहन सिंह कंग पार्टी नूं अलविदा कहिण दी तैयारी विच लग रहे ने। दमन बाजवा ने कहा कि जसविंदर धीमान नूं सुनाम तों टिकट दित्ती गई है। समराला तों कांग्रेस दे मौजूदा विधायक अमरीक ढिल्लों ने टिकट कट्टे जाण तों बाद कहा कि राजा गिल नूं टिकट दित्ती गई है, इस दा कोई आधार नहीं बनदा। समराला दे 180 सरपंचां विच्चों 170 मेरे समर्थक ने, कांग्रेस नूं जवाब मिलेगा, मैं यकीनी तौर ते इत्थों चोण लड़ांगा। जलालाबाद तो अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते पटियाला शहरी तो साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ हाले कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। उधर जगमोहन सिंह कंग जिहड़े कि टिकट ना मिलने तो नाराज़ ने, खरड़ तो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह इंचार्ज राघव चड्ढा भी मिले ने। कांग्रेस लीडर जगमोहन कंग टिकट ना दिते जाने तो नाराज़ ने। खरड़ तो कांग्रेस ने विजय कुमार टिंकू नूं टिकट दित्ती है। उन्होंने दावा भी किया है कि मैनूं आम आदमी पार्टी ने टिकट की पेशकश की है। हालांकि आम आदमी पार्टी तकरीबन सारिया सीटों के उत्ते उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उधर हलका सरदूलगढ़ तो कांग्रेस पार्टी ने साबका विधायक अजीत इंदर सिंह मोफर के पुत्र बिक्रम सिंह मोफर चोण मैदान दे विच उतारिया है। बिक्रम मोफर ने हाईकमांड का धन्यवाद किया है। धन्यवाद करदा उस परमात्मा का, पार्टी हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, साढ़े नवजोत सिद्धू जी प्रधान पार्टी दे, चन्नी साहब, जाखड़ साहब, तो समुची संगत का जिन्ह ने मेरे च विश्वास प्रगट किया, तो मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट दिती गई है। बिल्कुल जी, जे परमात्मा की मेहर हुई तो इस इलाके चलो जो डिवेलपमेंट होता करवानी करवानी है। इस इलाके बहुत पछड़ापन है, इस इलाके अगे लेके जाने वास्ते एजुकेशन इतने बढ़ावा देना पऊगा। इतने चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अलग अलग इतने कोर्स शुरू कराने पैणगे, यूनिवर्सिटियां लिया पैनगियां, तो नाल इतने एक जिहड़ा घग्गर दरिया टपदा इतने काला पानी जिहड़ा टपदा उहदे नाल कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां फैल रही हैं। तो इतने कोई चंगा हस्पताल, हाईटैक हॉस्पिटल जिहदे विच सारिया सहूलतां होण, वो इतने लेके आना। संगत का प्यार मिल रहा है, मैं सोचता मेरा इन चारों नाल ही कोई मुकाबला नहीं। आम आदमी पार्टी नूं फिर मौका मिल गया दूसरी सूची ते राघव चड्ढा ने फिर सवाल चुके ने ते कांग्रेस की सोच नूं दलित विरोधी दस्या है।
चड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों ज्यादातर अपने चहेतियां दे रिश्तेदारां नूं ही टिकटां दित्तियां गईयां ने, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने भरा दे लई टिकट मंगी सी तां उन्हां नूं नजरअंदाज किया गया, जिस तों कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। तो अपने सियासी मतलब दे लई कांग्रेस ने चन्नी नूं मूहरे लिया, हुण कागज वांगू वरत के सुट दिता है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है और दूसरी लिस्ट के बाद अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई भतीजे बेटे के लिए, दामाद के लिए टिकट मांगी तो कांग्रेस हाईकमांड ने दे दी। लेकिन पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने जब अपने भाई के लिए बस्सी पठाना से टिकट मांगी तो चन्नी साहब के भाई को टिकट नहीं दी कांग्रेस ने, चन्नी साहब के भाई को टिकट नहीं दी। जब सुनील झाकड़ ने अपने भतीजे के तो अबोहर से सुनील झाकड़ साहब के बेटे को कांग्रेस हाईकमांड ने टिकट दे दी। मेरा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह जो फतेहगढ़ साहब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने बेटे के लिए रायकोट से टिकट मांगी तो एमपी साहब के बेटे को रायकोट से टिकट मिल गई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष चौधरी जी ने अपने भतीजे के लिए करतारपुर हलके से टिकट मांगी तो कांग्रेस ने टिकट दे दी। मेरा थर्ड एग्जाम्पल, एमपी संतोष चौधरी जी ने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगी, बेटे को भी फिलौर से टिकट दे दी। मेरा चौथा एग्जाम्पल, अवतार हेनरी साहब के बेटे ने टिकट मांगी जलंधर नॉर्थ से तो अवतार हेनरी साहब के बेटे को टिकट दे दी। मेरा पांचवा एग्जाम्पल,